हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसिस्टर के गेन्स का रिलेशन, ट्रांसिस्टर अल्फा और ट्रांसिस्टर बीटा का रिलेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसिस्टर अल्फा डीसी क्या है, कि ट्रांसिस्टर को अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं तो उसकी आउटपुट करंट चूंकि हम कलेक्टर से लेते हैं और इनपुट करंट उसकी एमिटर पे अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से आउटपुट करंट IC और इनपुट करंट IE के दरमियान जो रिलेशन है उसको आप ट्रांसिस्टर का अल्फा डीसी कहते हो। तो अभी ट्रांसिस्टर अल्फा डीसी और बीटा डीसी क्या है, कि ट्रांसिस्टर को जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं तो उसकी कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होगी और उसकी बेस करंट उसकी इनपुट करंट होगी, तो आउटपुट और इनपुट करंट की निस्बत को रेशियो को हम कहते हैं उसका ट्रांसिस्टर बीटा डीसी। तो अभी हमारे पास चूंकि ट्रांसिस्टर करंट्स का फॉर्मूला होता है IE इक्वल IB प्लस IC, कि ट्रांसिस्टर की जो करंट्स हैं एमिटर करंट किसके बराबर होती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के मजमूए के बराबर। तो अभी हमें अगर इसी इक्वेशन को ट्रांसिस्टर करंट्स का जो फॉर्मूला है उसको हम डिवाइड करें, दोनों साइडों को IC से डिवाइड करें, तो IE ओवर IC बन गया, IB ओवर IC बन गया, इसके साथ IC ओवर IC, मतलब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, चूंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा डीसी किसके इक्वल है IC ओवर IE और अल्फा बीटा डीसी इक्वल है IC ओवर IB। अब इसमें इसी फॉर्मूला के अंदर अगर हम जो इनको कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई उसकी, 1 ओवर अल्फा डीसी इक्वल है 1 ओवर बीटा डीसी प्लस 1, इसको हम लोगों ने रख लिया है इक्वेशन 1। तो अगर हम इसको ही एलसीएम इसका सॉल्व करते हैं, मतलब इतने हिस्से का पहले अगर आप एलसीएम सॉल्व करो तो हमारे पास 1 ओवर अल्फा डीसी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस बीटा डीसी ओवर बीटा डीसी। तो दोनों साइडों में अगर आप इनको करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारे पास ट्रांसिस्टर का अल्फा डीसी इनटू बीटा 1 प्लस बीटा डीसी इक्वल आ जाएगा बीटा डीसी के। तो इसमें से हमें चूंकि अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 प्लस बीटा डीसी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, तो अल्फा डीसी या सिंपल उसे ट्रांसिस्टर अल्फा भी आप कह सकते हो किसके इक्वल होगा, बीटा डीसी ओवर 1 प्लस बीटा डीसी। तो ये तो हमारे पास आ गई ट्रांसिस्टर के अल्फा की वैल्यू, अगर हमें लेनी है ट्रांसिस्टर बीटा की वैल्यू तो इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 को आप दोबारा लेते हो, तो इसमें अगर हमें चूंकि बीटा की वैल्यू लेनी है बीटा को एक साइड पे रख लिया, 1 इधर प्लस है दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर बीटा डीसी इक्वल 1 ओवर अल्फा डीसी माइनस 1। तो इसमें हमें करना है इन दोनों का पहले एलसीएम सॉल्व करना है, एलसीएम सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डीसी ओवर अल्फा डीसी और इसको 1 ओवर बीटा डीसी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बन गया ये बीटा डीसी इनटू 1 माइनस अल्फा डीसी इक्वल अल्फा डीसी, मतलब इसको अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा डीसी दूसरी साइड पे जाके कर देगा डिवाइड, तो हमारे पास ट्रांसिस्टर बीटा डीसी या ट्रांसिस्टर बीटा जिसे आप कह सकते हो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा और बीटा अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये है हमारे पास ट्रांसिस्टर अल्फा और ट्रांसिस्टर बीटा दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो हम डिफरेंट जो ट्रांसिस्टर की एप्लीकेशंस हैं या मुख्तलिफ उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें ट्रांसिस्टर की कलेक्टर करंट फाइंड कर सकते हैं, ट्रांसिस्टर का गेन इसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद हमें इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हुए ट्रांसिस्टर में IE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, IB कर सकते हैं, IC कर सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको भी इसके जरिए इस फॉर्मूला की मदद से हम कर सकते हैं। तो बाकी इसकी असाइनमेंट जो होगी वो आप लोगों को क्लास के एंड तक बता दी जाएगी, तो आपने वो असाइनमेंट्स अपनी जो है इवनिंग में 8 से 10 के दरमियान सबमिट करवानी होगी। थैंक यू वेरी मच।